शादी विवाह आदि कार्यक्रम अंत्येष्टि कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या निर्धारित संख्या से ज्यादा होने पर उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाए और दांडिक कार्रवाई अर्थात जुर्माना भी लगाया जाए। जैसा मैंने देखा कि जबलपुर में एक विवाह समारोह में कई अफसर ही चले गए, अब ये किसी भी कीमत पर सहन नहीं होगा। ये महामारी पर नियंत्रण करने का सवाल है, इसलिए इसको गंभीरता से लें। हम लोग बहुत गंभीर हैं और इसलिए हम लोगों ने तय किया है, सरकार ने तय किया है, कोई भी धार्मिक आयोजन घर के बाहर नहीं होंगे, सुनिश्चित करने ये सारे निर्देश दिए जा चुके हैं, आपको पूरे निर्देश दिए जा चुके हैं। हमारे गणेश उत्सव गणपति भगवान की पूजा करनी है, इस बार घर में करेंगे, बाहर झांकी नहीं लगेगी। ईद हो, ताजिया हो या बाकी धार्मिक कार्यक्रम हो, ये भीड़ भाड़ भरे नहीं होंगे, इसका पालन करना है। रक्षाबंधन 3 तारीख को है तो उसके बारे में भी हम लोग आगे रणनीति बना के दिशा निर्देश जारी करेंगे। उस टाइप की चीजें हो तो तोड़ताड़ देंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी बर्बाद होती है पूरी की पूरी, और ड्रग्स जो युवा पीढ़ी को खोखला बना रही है वो कल लाउंज में भी चलती है और बाहर भी। मैं जैसा मैंने बताया, सफेद पुड़िया का व्यापार करने वाले, इनको ढूंढ के इनको क्रश करना है, इनको खत्म करना है। चिटफंड कंपनी की बात पिछली बार भी मैंने की थी, चिटफंड कंपनी वाले पैसा खा के भग जाए, ये नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। बड़े गुंडे बड़े अपराधी जिनसे जनता आतंकित रहती, लोग खुल के नहीं बोल पाते। अब इस तरह के जो है, छोटी कार्रवाई पहले भी होती रही हो उसमें दिक्कत नहीं है, वो जो बदमाश है उस तरह के जिला बदर हो, उनके अवैध निर्माण तोड़े जाए, लेकिन ये बड़े हैं, इनको चिन्हित करके इनको सबक सिखा। मैं नाम अभी नहीं पूछ रहा, अलग से चर्चा करेंगे, डीजीपी भी आपसे चर्चा करेंगे, सीएसपी चर्चा करेंगे, लेकिन सरकारी संपत्ति हड़पने वाले हैं और नंबर 2 का काला कारोबार करके अपना साम्राज्य खड़े करने वाले हैं, ऐसे किसी को नहीं छोड़ना है। नहीं तो हम छोटी मोटी कार्रवाई कर लेते हैं, हर किसी गरीब को पकड़ लेते हैं, उसकी झोपड़ियां तोड़ देते हैं। ये निर्देश इसके लिए नहीं है, बड़े सफेदपोश अपराधियों को नहीं छोड़ना है। सोसाइटी में प्लाट हड़प लिए, गरीब मारा मारा फिर रहा है। पहले भी एक बार हमने ये इस तरह के माफियात के खिलाफ जो सहकारिता के अभियान चलाया था, अब फिर उनके खिलाफ अभियान चला के न्याय दिलवाना है। अनैतिक धंधा करने वाले, जैसी भोपाल में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, मैं भोपाल की पुलिस को भी और इंदौर की को भी बधाई देता हूं, बहुत कुछ बहुत अच्छी कार्रवाइयां हुई है। इंदौर में भी जो कुछ हुआ है वो बहुत सबक सिखाने वाला अपराधियों को, और भोपाल में भी जो हुआ है, बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले। और मैं सभी जिलों के पुलिस अधिकारी बैठे, यहां CS DGP बैठे, इस तरह के छुपे हुए जितने लोग हैं उनको बेनकाब करके उनको पकड़ना है और उनको सजा दिलवाना है, छोड़ना नहीं है। ये तो पकड़ में आ गया भोपाल वाला, ऐसे हो सकता और भी हो जो इस तरह के धंधे कर रहे हैं, देह का व्यापार, बेटियों के साथ छेड़छाड़, कई बार बेटी बेचने की घटना हो जाती है, उनको पहचाने।